हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? ठीक होंगे? घर पर रहें, स्टे रहें, अच्छा रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि कोविड-19 की बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है इस टाइम में। ठीक है, तो आप सेफ़ रहें, कोशिश करें कि आप घर पर रह करके कुछ ना कुछ टाइम का यूटिलाइज़ करें। ओके स्टूडेंट, हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक मिस समानुपात, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% हर एग्ज़ाम में आता है, जो भी वन डे एग्ज़ाम हो, चाहे आपका SSC हो, UP पुलिस, दिल्ली पुलिस हो, ठीक है, रेलवे हो, UP टेट हो, सी टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें से 100% क्वेश्चन आना है। मैं आपको इसमें एक टॉपिक बताता हूँ, बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल वे है, तरीका बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, करते हैं हम यहाँ पर एक मेथड बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं MDH, मेरी लैंग्वेज में बोलता हूँ उसको MDH मेथड। ओके स्टूडेंट, MDH मेथड। ठीक है, तो देखो MDH मेथड यानी कि MDH वैसे मसाले होते हैं, लेकिन हम इसको मसाले से ही बनाएंगे अच्छे तरीके से, कि क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ओके, तो MDH और एक W भी ले लीजिए, क्योंकि MDH होंगे तो काम तो करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद अगेन MDH, अगेन यहाँ पे W लिख दीजिए। इसका मतलब पहले क्वेश्चन में कुछ दिया होगा, M1 मान लीजिए उसको, D1 मान लीजिए इसको, H1 इसको मान लीजिए और W1 मान लीजिए। जब हम दूसरे पार्ट की बात करें तो इसको M2 मान लीजिए, इसको D2 मान लीजिए, इसको H2 मान लीजिए और इसको W2 मान लीजिए। ओके स्टूडेंट, वेयर, जहाँ पर M यानी कि आपका होगा कोई भी मैन हो सकता है, ठीक, वो मैन हो सकती है, ठीक है, और आपका बॉय हो सकता है, ठीक है, मतलब कोई भी हो सकता है, इट मीन्स कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला। ओके स्टूडेंट, कार्य करने वाला इसमें कोई भी हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं इसमें डी यानी कि डेज, यानी कि दिन, ठीक है, एक दिन, दो दिन, चार दिन, पाँच दिन, कुछ भी हो सकता है इसमें। और H4 यानी कि आवर होता है, ओके, आवर यानी कि घंटे, ठीक, इसमें घंटे भी हो सकता है, इसमें मिनट भी हो सकता है इसमें, ठीक है, घंटे हो सकता है, मिनट में दिया हुआ हो सकता है, वो घंटे में दिया हुआ, कुछ भी हो सकता है। और W यानी कि होगा वर्क, W यानी कि वर्क, वर्क यानी कि कार्य, कार्य किस किस में हो सकता है आपका, किलोग्राम में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है आपका, ठीक है, यानी कि क्वांटिटी यानी कि मात्रा में हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट, जब भी ये सब चीज़ आ जाए तो ये मान लीजिए वो आपका कार्य है। इस पर बेस क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत आसानी से हम कर लेते हैं। देखो ज़रा क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए ज़रा, आप इसको वीडियो को पॉज करके भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। एग्ज़ाम में ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कर रहा हूँ सारे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं। यदि 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाए तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएगा। मैंने आपको क्या बताया था अभी स्टूडेंट, MDH फॉर्मूला, कौन सा बताया था, MDH फॉर्मूला, ये MDH, ठीक। M1 यानी कि मैन होगा कोई भी, देखिए ज़रा कैसे, 45 व्यक्ति, ठीक है, 300 किलोग्राम चावल, मैंने अभी बोला था जो आपकी मात्रा है वो नीचे आएगा, 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाए, यानी कि दिन हो गए यहाँ पर 12 दिन, तो 24 व्यक्ति, अब दूसरे वाले पार्ट पे आ गए हम, तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल, ठीक है, कितने दिन में खाएंगे, नेक्स्ट डे मान लीजिए आप यहाँ पर, हमें तो डे पता ही नहीं है, तो वो निकाल लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए स्टूडेंट। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, हाँ बताओ, अननोन वैल्यू तो एक्स है ना, तो बाकी सबको एक तरफ ले जाओ, तो ये हो गया 45/300×12, ये ऊपर हुआ, ठीक है, तो ये पार्ट ऊपर जाएगा 80, ये नीचे आएगा नीचे यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू किसके हुआ आपके पास, एक्स के, तो कैलकुलेट कर लीजिए आप इसका, 12 × 12, 12 × 2 = 24, यानी कि दो वैल्यू आ गई आपके पास, 0 से 0 कट हो गई आपके पास, 45 यानी कि इसको किससे कर सकते हैं, 15 × 45, 15 × 2 = 30, 2 × 2 = 4, 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 6, यानी कि 6 days, कितने दिन आएंगे स्टूडेंट, 6 days में ये आपका जो भी चावल खाना है वो इतने दिन में खाए जाएंगे। ओके स्टूडेंट,
इसको अगर आप दूसरे तरीके से करोगे, बेसिक तरीके से करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसको बेटर तरीका ये कॉम्पिटिशन का है, ठीक है, इससे आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो जरा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए जरा स्क्रीन पर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन भी है। यदि 17 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके 26 मीटर खाई को 18 दिन में खोद सके तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि वे इसी प्रकार की 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में खोद सके। वही MDH वाला तरीका, मैंने बोला था पहले वाले व्यक्ति M1 हो गया, यानी कि 17 व्यक्ति, सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। देखो जरा क्या कंडीशन है, 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिनों में खोद सके, कितने दिनों में, 18 दिनों में खोद सके, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, वो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, यानी कि पहले से 17 तो हैं ऑलरेडी, तो एक्स और लगा दिए हमने, ठीक है, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, यानी कि एक्स और लगाए जाएं, ठीक है, लगाए जाएं कि वे इसी प्रकार की 39 मीटर लंबी, तो मैंने कहा था जो मात्रा है वो यहाँ आएगी, 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में खोद सके। ओके स्टूडेंट, कैलकुलेशन कर लीजिए, तो यानी कि ये वाला पार्ट इधर ही छोड़ दीजिए, बाकी सब उठा करके आप उधर ले जाइए। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं, देखो जरा इसको, 17 × 8 और ये आ गया 18, ये 39 ऊपर पहुँचेगा स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई में, अपॉन में नीचे कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर 26, ये वाला पार्ट भी क्या आएगा, नीचे आएगा, यहाँ 9 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 12, इज इक्वल टू कितना होगा 17 + x। ओके स्टूडेंट, करते हैं इसको जरा, देखो जरा 9 × 2 = 18 कट गया, 13 × 2 = 26, 13 × 3 = 39, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट, 3 से इसको काटा, 3 × 4 = 12, 4 आ गया, 4 से इसको काटा, 4 × 2 = 8, ठीक है, 17 × 2 = 34, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आया 17 + x, इसको उठा करके आप इधर ले जाइए, तो यानी कि 34 − 17 = x, यानी कि यहाँ पे कितना आया 17, बराबर कितना आ गया x, x हमने क्या माना था यहाँ पर, उसने बोला कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, ठीक है, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएंगे, यानी कि 17 व्यक्ति, कितने व्यक्ति होंगे आपके पास, 17 व्यक्ति होंगे जो और लगाए जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आंसर होगा, क्लियर, ये आपका आंसर होगा, फिर आउट इसमें। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, देखिए जरा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 35 घोड़ों के लिए 540 किलोग्राम अनाज 21 दिनों के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 720 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, बहुत आसान है क्वेश्चन, देखो जरा करते हैं स्टूडेंट, उसने देखा 35 घोड़ों के लिए, अब यहाँ पे मैंने बोला था कि जो भी कार्य को करने वाले तो मेनली खाने वाले तो यहाँ पे घोड़े ही हैं ना, तो हमें तो यहाँ पे मैन की जगह घोड़े लेना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, उसने देखा 35 घोड़ों के लिए कितनी है 540 किलोग्राम अनाज 21 दिनों के लिए पर्याप्त है। ठीक, तो 28 घोड़ों के लिए 720 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, एक्स दिनों के लिए पर्याप्त होगा। ओके स्टूडेंट, ये एक्स दिन हो गया, इसको कैलकुलेट कीजिए आप, हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो सब यहाँ रहेगा, यानी कि 35 × 21 अपॉन में कितना आ गया 540 × ये ऊपर पहुँच जाएगा 720 और ये नीचे आ जाएगा 28। ओके स्टूडेंट, इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी आपके पास, 18 × 54 हो गया, 18 × 72 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, आप चाहो तो इससे काट सकते हैं, 4 से इसको काटेंगे, 4 × 7 = 28, 7 आ गया, 7 × 5 = 35, 5 आ गया। ओके स्टूडेंट, 3 से इसको काटा, 3 × 7 = 21, 7 × 5 = 35, कितनी वैल्यू आएगी आपके पास 35, यानी कि उसने बोला क्या था आपके पास, कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, यानी कि 35 दिन के लिए ये पर्याप्त होगा, यानी कि 35 दिन में वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, देखो जरा नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, और अगर आप इसको बेसिकली करोगे तो शायद देखने के बाद ही आप शायद छोड़ दो एग्ज़ाम में, लेकिन ये छोड़ने वाला क्वेश्चन ही बहुत आसान है, चुटकी बजाते ही क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप ध्यान से करोगे तो। उसने दे रखा है यदि 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्य रहने पर,
ठीक है, 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हों तो 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितनी कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन। सबसे मेन प्रॉब्लम ये करेगा आपको, ये जो लास्ट वाली लाइन है, ठीक है, बाकी सभी चीज़ बस लास्ट वाली लाइन आपको कन्फ्यूजन में डालेगा, लेकिन कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं, हम करते हैं क्वेश्चन को। देखो स्टूडेंट, ठीक है, उसने देखा 9 इंजन, तो मैन की जगह ये होगा, ठीक है स्टूडेंट, तो उसने दे रखा 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 24 मीट्रिक टन, मैंने बोला था जो काम है यानी कि ये किलोग्राम है या फिर मीटर है, ये सब काम की तरह काम वर्क करेंगे, 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हों तो 8 इंजन प्रतिदिन, अब क्या कह रहा है, 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे, हमें नहीं पता, एक्स कोयले की खपत करेंगे, ठीक है, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन, तो इसका एक दिन का हम काम निकालें, पहली प्रकार के कितने इंजन है, 3, तो 1/3 एक दिन का हमने निकाल लिया यहाँ पर, ठीक, फिर की जितने ही की दूसरी प्रकार के कितने इंजन है, 4, तो इनका भी हमने एक दिन का निकाल लिया, 1/4 कितना आ गया, 4, काट लीजिए इसको, 4 × 2 = 8, 3 से इसको काटेंगे, 3 × 3 = 9, ठीक है, 8 से इसको काटेंगे तो 8 × 3 = 24, 3 × 3 = 3 कट, एक्स की मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे 1 के साथ तो कितना होगा, x = 13 × 2 = 26, यानी कि 26 मीट्रिक टन कोयले की खपत की जाए, केवल एक लाइन का क्वेश्चन था, केवल एक लाइन का क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन को देख के शायद हम डर जाते हैं और क्वेश्चन को हम छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है स्टूडेंट, कोशिश करें आप वीडियो को यानी कि पूरी देखें, ठीक है, तभी आप अंडरस्टूड कर पाते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हैं, और सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, बस आपको अंडरस्टूड करने की ज़रूरत होती है, ओके स्टूडेंट, यस, वो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है यहाँ पर कि यानी कि 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देखो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ठीक है, लेकिन ये भी बैंक पीओ में आया हुआ है एग्ज़ाम में क्वेश्चन 2010 में, ठीक है, वो कि 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में करते हैं, ठीक है, तो वो कह रहे एक काम तो एक ही हुआ, ठीक है, 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 8 पुरुष काम को x दिन में करेंगे, काम तो एक ही था तो इसमें तो कुछ नहीं करना, x की वैल्यू निकालनी, बस 8 से इसको भाग दे दीजिए, तो 12 × 24/8 बराबर कितना होगा x, 8 × 24 और 12 × 36, ओके स्टूडेंट, तो इस कार्य को कितने दिन में करेगा, वो 36 दिन में करेगा, यानी कि 36 डेज उसको लगेंगे उस कार्य को करने के लिए, क्लियर स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पे आते हैं हम जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, ये क्वेश्चन देखने में बहुत इजी से लगते हैं और हमें लगता है कि बहुत आसान, और ऑप्शन में देखो जरा, क्वेश्चन है 7 मकड़ी 7 दिनों में 7 जाल बुने तो 1 मकड़ी यानी कि 1 जाल को कितने दिन में बनाएगी, तो हमें लगता है कि 1 तो 1 दिन में ही बना देगी, लेकिन क्वेश्चन को अब ध्यान से तो देखो, क्वेश्चन को देखो जरा क्या कहता है सॉल्यूशन, 7 मकड़ी 7 दिनों में कितने जाल बुननी है, 7 जाल बुननी है, ठीक है, तो 1 जाल को कितने दिनों में बनेगी, x दिनों में बनाएगी, 7 से 7 कट, तो कितने दिन आ गए, तो 7 डेज, कितने आ गए स्टूडेंट, 7 डेज, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन, क्लियर स्टूडेंट, लगी आपको शायद, हो सकता है क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर बता दें, ठीक है, अभी NTPC के एग्ज़ाम आने वाला है, रेलवे के एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये CDAT UPDAT वगैरह में भी एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 दिनों में साफ़ करें तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को साफ़ करने में कितना दिन लेंगी, सेम एज क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हुए करना है, उलझना नहीं है, 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को, मंजिल काम तो ये है ना, 7 मंजिलों को 7 दिन में साफ़ करें तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को कितने दिन में साफ़ करेंगी, दिन में साफ़ करेंगी, 3 से 3 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ये आएगा 7 × 7 = 49, ओके स्टूडेंट, इक्वल टू कितना आ गया, 3x, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 49/3, ओके स्टूडेंट, 3 से इसको भाग दे लीजिए, भाग देना सबको आता होगा लेकिन फिर भी हम दे लेते हैं, यहाँ से देखिए ज़रा, 4 × 1 = 4, 1 बचा, यहाँ पर 9 हो गया, ठीक है, और 3 × 6 = 18, 1 से, यानी कि ऐसे हम इसको लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट,
तो यहाँ पे कितना आएगा, 16 सही, जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर अपॉन में 3, यानी कि इतने डेज, ठीक है, यानी कि इतने दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा जल्दी जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा आपको स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, क्योंकि बोर्ड की थोड़ा कमी है, बोर्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो घर पे रहना हो रहा है, तो घर पे कहाँ अवेलेबल इतना होगा, इस टाइम में मार्केट वगैरह भी सब बंद है, तो इसलिए कॉपी पे बना कर आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, ठीक है, आप सबके लिए मे बी समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। यदि 12 बढ़ाई प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 24 दिन में यानी कि 460 कुर्सियाँ बनाए, तो 18 बढ़ाई प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनाएगा, यानी कि आपसे काम पूछ रहा है, ठीक है। तो 12 बढ़ाई, सॉल्यूशन देखते हैं जरा क्या करता है। 12 बढ़ाई प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 24 दिन में कितनी कुर्सियाँ बना रहे हैं, 660 कुर्सियाँ बना रहे हैं, तो काम तो ये हुआ ना। ओके नेक्स्ट, तो 18 बढ़ाई कितने, 18 बढ़ाई प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 36 दिन में, कितने दिन में, 36 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएगी, एक्स कुर्सियाँ बनाएगा सपोज, भाई यही तो आएगा, तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो एक्स को उठा करके यहाँ ले जाइए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए आप, ठीक है, और ये जो टोटल पार्ट है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितनी आएगी स्टूडेंट, चलो एक लाइन लिख लेते हैं, 12 गुना 6 गुना, ठीक है, 24 गुना एक्स बराबर 18 गुना 8 गुना 36 गुना 460। ओके, तो हमें तो एक्स की अननोन वैल्यू तो हमारे पास एक्स है, ठीक है, तो x निकालना है हमें, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 18 गुना 8 गुना 36 गुना 460, ठीक है, अपॉन में 12 गुना 6 गुना 24। करते हैं देखो जरा कैसे कैसे करते हैं, 6 18, ठीक है, ये हो गया, 12 3 36, 8 3 24, 24 से 24 कट, तो बचा कितना आपके पास, 3 बचा और ये 460 बचा। कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो x बराबर कितना आएगा आपके पास, 3 गुना 460, ठीक है, तो देखना जरा जी कितना आएगा, 0 आ गई, और 3 6 18 हुआ, 3 4 12 1 13, यानी कि इतनी कुर्सियां बनेंगी, ठीक है, इतनी कुर्सियां होंगी। ओके स्टूडेंट, उसने ये तो पूछा कितनी कुर्सियां बनाएगा, तो इतनी कुर्सियां बनाएगा वो, ठीक है स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करते हैं स्टूडेंट, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए जरा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इस पर बेस क्वेश्चन आता है, उलझाने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके, तो शेष भाग भरने में उसे कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है, वही MDH वाले तरीके से। एक बाल्टी, बाल्टी कितनी है हमारे पास, एक बाल्टी का 4/9 भाग, तो काम तो ये हुआ ना, 4/9 भाग, ठीक है, कितने मिनट में भरा, 1 मिनट में भरा, तो शेष भाग, भाई जब 9 में से 4 भाग यहाँ आ चुके हैं, तो 9 में से कितने भाग होंगे, यहाँ 9 में से 5 भाग होंगे यहाँ बस। क्लियर स्टूडेंट, 9 में से कितने भाग होंगे, 5 भाग होंगे, कैसे आएगा ये 9 में से 5, क्योंकि काम तो एक ही था, एक में से अगर मैं इसको लेस कर लेता हूँ कितना, 4/9 को, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 9 एकम 9, 9 में से 4 को हटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 5/9 ही तो बचेगा स्टूडेंट, तो ये तो शेष काम आया, ठीक है, शेष भाग को भरने में उसे कितनी मिनट लगेंगी, मान ली शेष भाग को भरने में उसे एक्स मिनट लगी। क्लियर स्टूडेंट, तो हमें तो पता मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं डायरेक्टली, देखो ये नीचे वाला पार्ट ऊपर पहुंच गया तो कितना है, 9/4, ठीक है, ये मल्टीप्लाई उधर पहुंचेगा तो कितना आएगा आपके पास, 9/ कितना आएगा आपके पास स्टूडेंट, 5/9 इक्वल टू कितना, एक्स, 9 से 9 कट, जब 4 से 5 को भाग देंगे तो कितना आ गया, 5/4 मिनट, यानी कि इतने मिनट लेंगे उसको स्टूडेंट। ओके, हो सकता है वो सेकंड में भी दे, हो सकता है वो सेकंड में भी दे, या तो ये आंसर होगा, ठीक है, और करके आप इसको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 4/5 गुना में 60 सेकंड में कन्वर्ट हो गया, इक्वल टू एक्स, 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 15 15 5 75, यानी कि 75 सेकेंड, इतने सेकेंड में वो उसको फिल कर लेगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी पर बेस क्वेश्चन है, जो अभी मैंने ऊपर किया, ऊपर ये क्वेश्चंस किया, इसी पर बेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज है, थोड़ी सी डिजिट चेंज है बस, कर सकते हो आप, ठीक है। एक पानी की टंकी का 3/16 भाग
15 मिनट में भरता है, तो बाकी टंकी कितनी देर में भरेगी? एक टंकी वही है, पानी की टंकी है, देखो जरा कंडीशन क्या, ऊपर की तरह क्वेश्चन होगा। एक पानी की टंकी का कितना है? 3/16 भाग, ठीक, 15 मिनट में भरता है, तो बाकी टंकी, बाकी मतलब वही शेष, भाई 16 में से 3 यहाँ आ गया, तो 16 में से यहाँ कितना बचेगा? 13 ही तो बचेगा। ये 16 में से 13 कहाँ से आया? ये अभी मैं बता देता हूँ, 1 में से हम 3/16, क्योंकि भाग तो एक ही होता है हमेशा, ठीक है, तो 16 कम 16 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13/16। ओके स्टूडेंट, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा, ठीक, तो 13/16 शेष भाग बचा, तो उसकी कितनी देर में भरेगी? एक्स देर में भरेगी, यानी कि एक्स क्या है, मिनट है, तो मिनट में भरेगी। क्लियर, कैलकुलेशन करते हैं। ये 16 ऊपर पहुंच जाएगा, जब 16 की ऊपर मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो 16 गुना में 15/ कितना है? 3। अब बाकी बचा ये, जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यही तो आएगा आपके पास 13/16। ओके स्टूडेंट, इक्वल टू कितना आ गया? एक्स, कट कर लीजिए, 16 से 16 कट, 3 से इसको काटेंगे तो 3 × 5 = 15 और 13 × 5 = 65, यानी कि 65 मिनट में वो फिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो ये हमारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, ये अभी केवल पहला पार्ट हुआ है आपका, इसमें एक और टाइप बच जाता है, वो टाइप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लाइक करेंगे वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को, तो मेरा थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा और मैं इसको वीडियो को आगे भी बनाता रहूँगा आप सबके लिए। ओके स्टूडेंट, ठीक है, एक बार मैं फिर भी रिवाइज़ कर देता हूँ आपको वो वाला पार्ट जो स्टार्टिंग वाला था, MDH वाला पार्ट। ओके स्टूडेंट, देखो जरा, ये है MDH वाला पार्ट, सीमेज इसमें दे रखा आपके पास, देखो कंडीशन में क्या है, में से समानुपात हमारा चैप्टर है, ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो जरा ध्यान से स्टूडेंट, ये MDH, मैंने MDH मेथड यहाँ पे बोला, तो M1D1H1/W1, M2D2H2/W2, जो भी अननोन हो उसको आप x मान लीजिए, या तो आप x मान लीजिए या फिर कुछ और रख लीजिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो M1 वही मैंने बोला, मैन हो सकता है, वो मैन हो सकता है, बॉय हो सकता है, कार्य को करने वाला, जैसे कि पीछे मशीन वगैरह भी आई थी, ठीक है, तो उसका यूज़ किया गया था। D यानी कि डेज, H यानी कि आवर्स, W यानी कि वर्क, ठीक है, इसका यूज़ करते हुए हमने सारे क्वेश्चंस किए और आगे भी इसका यूज़ करते हुए आगे वाले जो सेकेंड वाला पार्ट मैं आपके लिए बनाऊंगा उसमें भी यही करूँगा। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक्स अ लॉट एवरीवन।